हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर दोस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है, ठीक है, वो लोग अपने पेपर से यहाँ पर दोस्त आंसर को मैच कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जीके के और करंट अफेयर के और हिंदी इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैं उसका आंसर आप लोगों को इस पेपर के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अपने पेपर से आप लोग मैच कर सकते हो। यहां पर मैं बता दूं, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था। यहां पर दोस्त आप लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सभी, ठीक है। उसके बाद से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट में दूसरा, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोशी को कहा जाता है, ये सही था। तीसरे में, यहाँ पर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद से अगर मैं फोर्थ की बात करूँ यहाँ पर, तो फोर्थ आप लोगों का किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ क्षेत्र में संबंधित है, तो प्राथमिक, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपन नेक्स्ट, यहाँ पर बैटरी भी ऑफ होने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो नेक्स्ट है पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त सिडबी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से यहाँ पर छठा है, छठे का आप लोगों का, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर वैधानिक निगम हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर सातवें का आप लोगों का हो जाएगा, भारत की संघ कार्यकारिणी की निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है दोस्त आप लोगों का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया, तो 124 में कहा गया है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट दिया है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यहाँ पर शक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद से दसवां की बात करूँ तो दसवें में है दोस्त आप लोगों का, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ओके। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त दिया है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है, यहाँ पर आप लोगों का नायलान सही हो जाएगा इसमें, कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। उसके बाद से नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद से न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है, तो फेफड़े को प्रभावित करती है, ठीक है, न्यूमोनिया डिजीज़। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है, एक मिनट, यहाँ पर हिंदी में आते हैं, ठीक है, हिंदी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट है आप लोगों का, किस विकल्प में विलोम युग में सही है, तो नूतन पुरातन यहाँ पर सही है। उसके बाद से ख्याली पुलाव पकाना, इसका हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि के शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। उसके बाद से यहाँ पर 25वां का है, कौन सा युग्म शब्द अर्थभेद सही नहीं है, तो अवलंबन अविलंबन, ये ठीक है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही था। उसके बाद से यहाँ पर दिया है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर डी वाला आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर छूट गया है, पादप, एक मिनट, यहाँ पर पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, मतलब प्लांट सेल वाल जो होती है वो किससे मिलकर मेनली बनी होती है, तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया है, ये तो इससे था, ठीक है, मैं इधर आता हूँ, ठीक है, ये नीचे सिनोनिम्स, यहाँ पर सिनोनिम्स वाला मैं बता दूँ, पार्शियल का जो सिनोनिम्स होगा यहाँ पर दोस्त इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, पार्शियल का इनकम्प्लीट हो जाएगा। 33 यहाँ पर नंबर डिसअपॉइंटमेंट का जो एंटोनिम्स होगा सेटिस्फाई होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया है आप लोगों को कैलेंडर वाला, ठीक है, कैलेंडर, यहाँ रीजनिंग नहीं हम बता रहे हैं आप लोगों को, मेनली यहाँ पर मैं आप लोगों को करंट अफेयर जीके और हिंदी इंग्लिश की क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके आंसर को। यहाँ पर दोस्त इसका जो 37 नंबर, यहाँ पर अगस्त 2022 की भारत में पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो कोलकाता में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद से 38 का यहाँ पर दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर वैज्ञानिक कृत्रिम भूड किसने स्टार्ट किया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चीन ने स्टार्ट किया, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो यहाँ पर गुजरात वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, गुजरात वाला सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से 40वां है यहाँ पर दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इसराइल होगा, ठीक है। यहाँ पर 2022 में ताइवान के आसपास तक अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा, ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा इसराइल, ठीक है, ये इसराइल आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर 41 वाला हो जाएगा आप लोगों का स्काई लाइट, ठीक है, स्काई लाइट वाला सही था। उसके बाद से यहाँ पर 42 वाला आप लोगों का हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद के पास आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन भारत ने दो शहरों के बीच किया है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर संस्कृत मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, मनाया गया है, या ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का UAE हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर 45 है आप लोगों का, यहाँ पर IIT कानपुर, सॉरी IIT मद्रास हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दोस्त दिया है 46 नंबर, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अमित शाह हो जाएंगे सही। उसके बाद से 47, इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का गोवा, हर घर जल। ये जो आप लोगों का प्रमाणित राज्य कौन बन गया है, गोवा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर माजुली द्वीप आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा है, तो हंगेरियन फोरिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट है, 25 वर्ष लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, यहाँ पर 25 वर्ष सही था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट, नौटंकी कहाँ पर, कहाँ का, किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद से 56 का है यहाँ पर दोस्त, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ऑफ द पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर कोई भी करंट अफेयर नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर भी करंट अफेयर नहीं है, तो इसको भी स्किप करता हूँ। उसके बाद से ये मैथ्स वाले आए ग्राफ, उसके बाद से ये भी आप लोगों के ग्राफ मैथ्स के हैं, इसको मैं स्किप करता हूँ, बाद में इस पर वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, एक मिनट, ये भी आप लोगों का ग्राफ से ही है, इसको भी स्किप करता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर दोस्त संगमरमर पर पितरादूरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय रहा शाहजहाँ के समय में। उसके बाद यहाँ पर दोस्त इसका जो ताम्रपाषाण काल हो जाएगा, तांबे की पहली बार जो खोज हुई थी यहाँ पर ताम्रपाषाण युग में हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। उसके बाद से 90 नंबर का जो देवनाम प्रिय दस्सी किसके नाम प्रिय दस्सी के नाम से जाना जाता है, तो मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो मुगल सम्राट का शासन था, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, उसके बाद से दांडी यात्रा यहाँ पर इसका जो होगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये रहा यहाँ पर 94 नंबर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा सही। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से नेक्स्ट है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसके द्वारा दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर दोस्त आप लोगों का पानी की उपलब्धता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 98 है, 98 का आप लोगों का हो जाएगा नेपाल और तिब्बत वाला, ठीक है, सबसे जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उस किसके बीच है, नेपाल और तिब्बत के बीच है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो इसको मैं बाद में बता दूंगा। बाकी 100 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य GMT हमारे मानक समय से कितने आ गए, तो 5.5 घंटे आ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन थे, उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को उसका आंसर बता दिया। ओके, और आगे जितने भी बड़े ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं और हिंदी वाले ग्राफ और इंग्लिश वाले ग्राफ और भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं आगे फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को कुछ देर के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिन लोगों का जीके करंट अफेयर आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो जिन लोगों ने दिया है वो अपने पेपर से इस पेपर से जीके और करंट अफेयर हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं सेकंड शिफ्ट वाले, उनको मेरी तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। सेकंड शिफ्ट जाके अपना बढ़िया से पेपर दीजिए, थोड़ा मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है, मैथ का जो ग्राफ है वो थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, और हिंदी भी थोड़ा टफ पूछा जा रहा है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी में जो गद्यांश वाले क्वेश्चन है वो भी थोड़े टफ पूछे जा रहे हैं, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। आप ध्यान से पहले पढ़िएगा, ग्राफ हो चाहे गद्यांश हो, ठीक है, उसको समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, ताकि आप लोगों का जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हो वो अटैम्प्ट हो सके और सही अटैम्प्ट हो सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,
नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक लिए दोस्त धन्यवाद।